कुछ नहीं, इनको हटा देंगे, केस करेंगे, अरेस्ट करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। पटना के सचिवालय के पास से और तमाम सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी जो हैं वो पटना के सड़कों पर उतर गए। आपको हम बता दें कि आज तमाम सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने का आह्वान किया था, जिसको लेकर तमाम जो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं वो पटना के सड़कों पर उतर गए थे। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट हैं खान सर, उनका साफ साफ कहना था कि जो अभ्यर्थी उतरे हैं ये अवैध रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन करने का इलाका नहीं है। वहीं उन्होंने साफ साफ कहा है अगर अभ्यर्थियों नहीं सुने तो उनको अरेस्ट कर लेंगे, नहीं तो यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे या फिर FIR करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं खान सर, पहले वो सुने आप लोग। आप बात नहीं कर सकते, हम लोग जाए सर, लेकिन हम लोग ऊपर बात नहीं कर सकते, हम लोगों को कुछ नहीं। तुम्हारा सुनो, जब तक तुम्हारा इलीगल यहाँ पर धरना है कोई बात नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते, लेकिन कर तो रहे हो, कर रहे हो ना, क्या आश्वासन दे रहे हैं? तुम इलीगल, तुम यहाँ पर धरना है, तुम लीगल तरीके से गर्दनी बैग में आओ, फिर बात करेंगे। यहाँ पर तुम्हारा धरना प्रदर्शन इलीगल है, ये सभी लोगों का धरना प्रदर्शन यहाँ पर अवैध है, विधि विरुद्ध है, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। कोई भी संगठन समूह अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन यहाँ पर नहीं कर सकता है। इनको अगर अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करना है तो ये अनुमति लेकर गर्दनी बाग जाए बैठे, फिर हम लोग वहाँ पर आएंगे, इनका मेमोरेंडम लेंगे और जो इनकी बातें सुनेंगे। सुनिए ना एक मिनट, ये तो चाहते हैं कि हम यहाँ खड़े हो जाएं और विभाग का हाथ बैठें और अपॉइंटमेंट लेटर ले लें, यही चाहते हैं। तो सर आगे का प्रोसेस क्या करेंगे? कुछ नहीं, इनको हटा देंगे, केस करेंगे, अरेस्ट करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानून अपना काम करेगा, कानून स्वतः एक्टिव हो जाएगा। सर ये बच्चे लोग कह रहे हैं कि तानाशाही चल रहा है, ये बच्चे के मन में जो आए बोले, पहले अपने को तो ठीक करें कि यहाँ पर किस हैसियत से आए हैं। इनको अनुमति है, ये माननीय उच्च न्यायालय से, ये सब प्रतिबंधित क्षेत्र है, ये प्रोहिबिटेड एरिया है, ये अपने को पहले करेक्ट करें, तब दूसरे पर उंगली उठाएं। चलो जाओ जाओ। डायरेक्ट जो खान सर हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं यहाँ के, उनका साफ साफ कहना है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र, यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर ये अभ्यर्थी नहीं सुने, इनको हम हटाएंगे, अगर ये तब भी नहीं सुने तो इन पे केस होगा, FIR होगा या फिर अरेस्ट हम करेंगे। तमाम जो अभ्यर्थी हैं सीटेट बीटेट के, वो लगातार कह रहे हैं कि जो सातवें चरण की विज्ञप्ति है वो जारी हो, शिक्षा मंत्री से हम लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। लगातार शिक्षा मंत्री हों या फिर अपर मुख्य सचिव हों शिक्षा विभाग के, तमाम लोगों से हमने बात की है सातवें चरण की विज्ञप्ति को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो विज्ञप्ति है वो जारी अभी तक नहीं हो रही। देखिए, पटना सचिवालय के पास तमाम जो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं वो उतर गए थे। खान सर जो कि यहाँ के मजिस्ट्रेट हैं, उनका साफ साफ कहना था कि जो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं वो अगर हमारी बात नहीं सुने, यहाँ से अगर हटे नहीं तो उनको हम जबरदस्ती हटाएंगे और नहीं होगा तो इन अभ्यर्थियों को अरेस्ट कर लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।